नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं विष्णु सिंह, आज हम मौजूद हैं झंझारपुर प्रखंड में। लोकसभा चुनाव का दौर चालू है और नामांकन लगभग सभी हो चुके हैं। झंझारपुर लोकसभा में कुल 17 नामांकन हुए हैं और कुछ ऐसे प्रत्याशी भी हैं जिन्होंने अपना पाला बदला है। जी हाँ, यहाँ पर कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने अपना पाला बदला है। हालांकि कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिसे पूर्व में ही सीटें मिली है। इनमें एनडीए के प्रत्याशी है, साथ साथ बसपा से इस बार गुलाब यादव, पूर्व आरजेडी विधायक गुलाब यादव भी मैदान में है, और साथ साथ सुमन महासेठ भी महागठबंधन की सीट को लेकर मौजूद है। हम झंझारपुर प्रखंड के उस ऐतिहासिक मंदिर में है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं हनुमान जी भी मौजूद है। जी हाँ, ये हनुमान मंदिर है। और मैं आपको बता दूं, झंझारपुर की राजनीति में ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर राजनेता शुरुआती तौर पर यहाँ पर ज़रूर आया है, चाहे फिर अधिकारी हो या आम जनता हो, यहाँ पर लगातार आए हैं। नाम सबूरी दास है। कहाँ पर रहते हैं आप? हम खजौली पढ़ते हैं, प्रखंड। खजौली प्रखंड के आप हैं, तो खजौली प्रखंड आपका झंझारपुर लोकसभा में आता है। जी, लोकसभा झंझारपुर। क्या लगता है झंझारपुर लोकसभा, क्या लगता है इस बार किस तरह का माहौल है? इस बार जो है सो पूरा बीजेपी का माहौल है, मोदीमय है पूरा जिला। तो जिस प्रकार से जो एनडीए के उम्मीदवार है वो मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और हो सकता है मोदी के नाम पर उन्हें वोट मिल भी जाए, लेकिन क्या लगता है, क्या उनकी निजी छवि है वो वोट लेने का पर्याप्त था? मोदी जी के नाम पर सब वोट देने के लिए है, कैंडिडेट कोई भी रहे, राष्ट्र के लिए जो है सो मोदी जी सर्वोपरि हैं और सर्वोपरि रहेंगे, यही है सबका उम्मीद। महादेव पासवान। कौन से प्रखंड से आते सर? फुलपरास प्रखंड। तो क्या माहौल लगता है फुलपरास में, किस तरह का? अभी तो माहौल कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन वैसे मोदी जी जो काम किए हैं तो चर्चा का विषय तो है, लेकिन जो भी काम वो किए वह स्थल पर अभी तक धरातल पर लागू नहीं हो सका, इसलिए कि यहाँ पदाधिकारी लोग, प्रशासन जो है भ्रष्ट प्रशासन इस समय भी है। मोदी सब कुछ कर सके लेकिन भ्रष्टाचार को बंद नहीं कर सके। अभी जो भ्रष्टाचार चरम सीमा पर आ गया है, और यहाँ मजदूर की जो समस्या है, मजदूर का समस्या आज तक मोदी जी निदान नहीं कर पाए, जबकि मजदूर आज से नहीं 30-35 वर्षों से काम कर रहा है कई विभागों में, उसको 11-12-90 तक जो है सो कुशल मजदूर करना था, लेकिन मोदी जी इस पर ध्यान नहीं दिए, सब पेपरबाजी किए हैं, और पेपर के अलावा वह धरातल पर लागू। तो जिस प्रकार से इस बार एनडीए का उम्मीदवार खड़े हुए, पिछले 5 वर्ष में कोई खास उपलब्धि हम नहीं कह सकते हैं, और फिर दोबारा से मैदान में है, और साथ साथ सबसे बड़ी इसमें रोचक चुनाव इसलिए हो चुका है क्योंकि सुमन महासेठ भी मैदान में है महागठबंधन की सीट से, और जहां तक उनके पृष्ठभूमि की बात की जाए तो सुमन महासेठ भी बीजेपी से आते हैं, लेकिन इस चुनाव में वे महागठबंधन से लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है सुमन महासेठ को भी कुछ साथ मिल सके? सुमन महासेठ से भी हम लोग मजदूर के समस्या को लेकर के मिले थे और उनसे वार्ता किए, लेकिन वो आश्वासन दे करके उनका आश्वासन झूठा निकला, इसलिए सुमन महासेठ पर क्या विश्वास किया जा सकता है। हम इस समय मौजूद है झंझारपुर प्रखंड के मंदिर परिसर में, हमारे पीछे बहुत सारे लोग मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है अपना? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। क्या, कौन से प्रखंड से आते हैं आप? इसी झंझारपुर प्रखंड से। क्या लगता है झंझारपुर प्रखंड में किस उम्मीदवार का ज़्यादा हो सकता है, क्या पूर्व पहले वाले सांसद या बदलाव हो सकता है? देखिए, बदलाव होना तो बहुत ज़रूरी है, सबसे पहली बात है, होगा ही, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बार जो यहाँ की देख रहे हैं राजनीति का मामला जो है, एक से एक कैंडिडेट खड़े हुए हैं,
पूर्व में जो खड़े हुए थे वो भी है और नए भी हुए हैं और बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। अब बात रही जीत हार की, वो तो अलग बात। पूर्व सांसद भी खड़े हुए हैं और मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, क्या मोदी के नाम पर वोट मांगना सही है? अपने काम पर भी तो वोट मांगना चाहिए। सबसे पहली बात, मैं मोदी को वोट कैसे दूं? मैं तो अपने लोकल क्षेत्रीय नेता को वोट देता हूं जो मेरे लिए काम करता है। मैं तो, मुझे अब ज़रूरत है, मैं तो मोदी को नहीं बुलाऊंगा, ना मैं मोदी के पास जा सकता हूं। जाऊंगा किन के पास? तो मेरा जो क्षेत्रीय लोकल नेता है उनके पास, वो मेरे लिए सही है, ये देख कर चुनाव करना है। झंझारपुर प्रखंड के उस ऐतिहासिक हनुमान मंदिर में मौजूद है, जहां पर बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद हैं हमारे साथ। आमतौर पर जहां भी 10 लोग बैठते हैं तो इस समय राजनीतिक चर्चा एक मुख्य विषय है और इसी को लेकर हम यहां पर पहुंचे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीताराम साफी है। कौन से प्रखंड से आप? झंझारपुर से हैं। क्या लगता है, झंझारपुर इस बार बदलाव चाहता है या फिर से वही कैंडिडेट चाहेगा? देखिए, अगर कैंडिडेट अच्छा रहता तो कोई ज़रूरत नहीं था मेहनत करने की, बीजेपी के नाम से या नीतीश कुमार के नाम पर सब वोट दे देता है। लेकिन बशर्ते यही है कि रामप्रीत मंडल को टिकट दे दिया है, उनको न कोई आज तक 5 साल के दरमियान न कोई चेहरा देखा है, न उनके छवि से कोई रूबरू है, परिचित है, इसलिए उसके ना हमको लगता है कहीं वो फिसल ना जाए। और यहाँ क्षेत्रीय नेता जैसे कि है गुलाब यादव, वो सब को ज़्यादा चांस है। मेरा नाम प्रेम प्रतीक हुआ। कौन से प्रखंड से आते हैं सर? झंझारपुर प्रखंड से आते हैं। क्या लगता है, इस बार पुराने सांसद को मौका मिलेगा या बदलाव होगा? बदलाव तो होगा सर, बदलाव तो जरूरी है। पुराने सांसद इस बार मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और 5 साल तक कहीं दिखाई नहीं दिए, उनका कार्य भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई, लेकिन फिर से वो मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है अगर जीतते हैं तो क्या क्षेत्र का काम करेंगे? अगले पंचवर्षीय तो कुछ नहीं किए सर, अब इस बार क्या करेंगे तो वही जानेंगे सर। तो मित्रों, राजनीतिक माहौल चल रहा है, जगह जगह राजनीतिक चर्चाएं हो रही है। इस चर्चा को लेकर आज हम पहुंचे थे झंझारपुर प्रखंड के हनुमान मंदिर में, जहां पर बहुत सारे लोगों ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। उम्मीद करता हूं इस तरह के वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और यदि आप भी झंझारपुर संसदीय क्षेत्र के हैं तो अपने प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। इस तरह के वीडियो के साथ फिर मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक आप लोग देखते रहे खबर आसपास। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।